देखिए भारत से जोड़ो यात्रा प्रारंभ करे राहुल गांधी जी, इसकी नौबत क्यों आई है? क्योंकि आज मुल्क के अंदर जैसा माहौल है वो चिंताजनक है। एक तरफ तो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या, और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतनी दूरियां बढ़ रही है आपस के अंदर। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, वो देश हित में नहीं है। जहाँ शांति सद्भाव होता है वहीं पर विकास होता है, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे वो प्रदेश हो या मुल्क क्यों नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपील करनी चाहिए, ये माहौल बन गया है, क्यों बन गया है सब जानते हैं, क्या कारण है सब जानते हैं। वो अपील करने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कि देश में शांति भाईचारा कायम रहे और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जगह जगह छोटी बात को लेके हिंसा होती है, दंगे भड़कते हैं, ये हित में नहीं है देश के, ये चिंता सबको है। राहुल गांधी जी ने तय किया कि ये यात्रा कन्याकुमारी से लगा कर कश्मीर तक यात्रा की जाए। रास्ते भर शांति का, सद्भावना का, जो गांधी का संदेश है सत्य का, अहिंसा का, वो मैसेज देते हुए निकलेंगे वो। और मुझे खुशी है कि यात्रा के अंदर अनेक जो एक्टिविस्ट हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो देश के सामने चुनौतियाँ हैं उसको लेकर चिंतित हैं, तमाम ऐसे लोग चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हो, मुझे उम्मीद है कि पूरी यात्रा के अंदर कोई विचारधारा के नहीं भी हो तब भी वो जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। और यही कारवा एक मैसेज देगा भारत सरकार को भी, एनडीए गवर्नमेंट को भी, मोदी जी को भी, कि देश को एक रखना, अखंड रखना हम सबका कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यात्रा ऐतिहासिक होगी। जो हमारे नेताओं ने, जिन्होंने कुर्बानी, त्याग, बलिदान किया आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में भी, महात्मा गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने और अम्बेडकर साहब ने अगर संविधान बनाया, आज संविधान की धज्जा उड़ रही देश के अंदर। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में, ये चिंता लगी हुई नौबत क्यों आई है, ये हालात क्यों बने हैं, इसका विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। इसे जरूरी है हर देशवासी को यात्रा के मर्म को समझना चाहिए और सेव करना चाहिए। एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन।